हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग जेईई मेंस का टेस्ट पेपर 1। इसके हमने स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, आज उसके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पॉज करके आपको सॉल्व करना है, फिर इसका आंसर मैच करना है। ये क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक चैप्टर का। केमिकल काइनेटिक्स में जो रेट है वहाँ से ही ऑर्डर निकालने का क्वेश्चन है। इस केस में यहाँ पर अगर नोटिस करें, एक रिएक्शन गिवन है, इसके मैकेनिज्म है 1-2R मैकेनिज्म, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस Br2 NOBr बन रहा है। ये रिएक्शन में अगर मैकेनिज्म दिया है, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन कैसी है, ये कॉम्प्लेक्स सिंपल रिएक्शन नहीं है। सिंपल रिएक्शन का ऑर्डर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर निकालने का स्टेप है हमारा, सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में से कौन से स्टेप स्लो है। 1 और 2 में से स्लोएस्ट स्टेप है हमारा सेकेंड। सबसे पहले छाटना होगा स्लो स्टेप। अकॉर्डिंग टू द स्लो स्टेप जो कि सेकंड है, उसके अकॉर्डिंग रेट निकालेंगे, वही होगा रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा कब करते हैं, जब मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन दिया होगा। रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यहाँ पे ले लेते हैं के, यहाँ भी ले लिया के, इधर K1 और यहाँ पे K2। तो K2 टाइम्स, हमेशा रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखना है। रिएक्टेंट है NOBr2 और है NO, दो टर्म में लिखा। ऐसे लिखने के बाद फिर चेक करना होता है, यहाँ पे जितने भी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स आ रहे हैं वो मेन इक्वेशन में होने चाहिए। NO है, बट NOBr2 ना ही रिएक्टेंट की साइड है ना ही प्रोडक्ट की साइड है। तो हमारा एम है NOBr2 को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ NOBr2, इन सब के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर, इसका भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसका थ्योरी जानना है तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इसका क्या आएगा, NOBr निकालने के लिए यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में लिख सकते हैं कैपिटल के रिएक्शन कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट कंसनट्रेशन। कॉन्स्टेंट नहीं दिया था तो के ले लिया है, उससे मैटर नहीं करेगा। ऑर्डर निकालने के लिए सिर्फ हमें पावर देखना है। इस केस में NOBr2 और NOBr2, NOBr2 को हम कन्वर्ट कर सकते इस टर्म में, तो आ जाएगा NOBr2 इज इक्वल टू के टाइम्स, सबको लेफ्ट साइड में ले लिया, NONBr2। ये यूज़ किया है हमने इक्वेशन नंबर 1। क्यों, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में जो हमने स्लो स्टेप से लिखा था वहाँ पे NO भी है, NOBr2 भी है। NOBr2 को कन्वर्ट करना है क्योंकि वो रिएक्शन में है ही नहीं, ना ही रिएक्टेंट में ना ही प्रोडक्ट में। तो यहाँ आ गया NOBr2 की वैल्यू। अब इसको पुट कर देंगे फाइनल इक्वेशन में जो हमारा मेन है। इसको लेते हैं इक्वेशन A, इक्वेशन B, पुटिंग इन इक्वेशन A। जैसे ए में पुट कर देंगे तो आ जाएगा R इज इक्वल टू K2, एक टर्म ले लिया K, NOBr2 की जगह आ गया NO का टर्म NBr2, और एक NO एज इट इज़ था, दोनों ही कांस्टेंट है तो K डैश कांस्टेंट बना लिया। NO2 हो गया है, Br2 1। तो ऑर्डर होता है समेशन ऑफ पावर 1, यहाँ से लिया 2, यहाँ से लिया 1, तो टोटल ऑर्डर आ गया है 3। इस रिएक्शन का ऑर्डर है 3। कब करते हैं ऐसा स्टेप, जब मल्टीपल टाइप की रिएक्शन हो, कॉम्प्लेक्स टाइप की रिएक्शन, क्योंकि डायरेक्टली उसका हम रेट नहीं लिख सकते। मैकेनिज्म गिवन होना चाहिए, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म इसका हम लोग रेट निकालेंगे। ये हो गया रेट ऑफ इक्वेशन और 2 इज ए ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 7, ये टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का, कि शेप, हाइब्रिडाइजेशन, P-pi, D-pi, उससे रिलेटेड है केमिकल बॉन्डिंग। इसमें ए पार्ट लेते हैं, इसमें 1, 2, 3, 4, यहाँ पे ये ए है, 1 है, 1, 2, 3, 4, 5 है। इन पांचों को चेक करना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तीन है, सारे ही आने चाहिए, सारे स्टेप। I3+ का स्ट्रक्चर, I3 सबसे पहले, I3 में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एक आयोडीन लिया, 2 उसके साथ बॉन्ड बना रखा है, यहाँ पे ले लिया प्लस का साइन। आयोडीन मेन है, आयोडीन के पास होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 डॉट बना लिए हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। प्लस की वजह से एक चला गया, हटा दिया उसको। आयोडीन, 2 आयोडीन बॉन्ड बन गए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक आयोडीन से 2 आयोडीन कनेक्टेड है, तो ये मेन था, उससे 2 कनेक्टेड है। ये मिलके बन जाएगा एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर,
कितने सिग्मा बॉन्ड हुए हमारे, सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर हो गए 2, समेशन आया 4, 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, sp3 में एक आयोडीन, उसके पास 4, ऐसे बनाएंगे II, यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर, ओवरऑल चार्ज इज पॉजिटिव। शेप में जब काउंट करेंगे, शेप में लोन पेयर नहीं दिखाई देता, तो ये वाले पार्ट को इग्नोर करके सिर्फ इतने वाले पार्ट को देखना है जहाँ पे बॉन्ड बने हुए हैं। तो शेप आया इसका बैंड शेप, ए ऑप्शन में था I3- इज ए बैंड शेप, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन हो गया करेक्ट। अब लेते हैं P-D बॉन्ड SO2, उसका सेकेंड पार्ट SO2। SO2 का स्ट्रक्चर भी सिमिलर वैसे ही बनाएंगे, लेंगे सल्फर, सल्फर के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 डॉट बना लिए। 6 डॉट बनने के बाद एक ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन ने ले लिए ऐसे 2, यहाँ बच गया एक लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड इज 2, एक सिग्मा है एक पाई है, पाई काउंट नहीं करना है, सिर्फ सिग्मा काउंट करना है, तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 2 और एक लोन पेयर हुआ हमारा 1, समेशन आया 3, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। हाइब्रिडाइजेशन आया sp2, इसका मतलब है कि जो सल्फर है, सल्फर के पास जो पी होते हैं, टोटल पी होते हैं 3, एक एस, ये सल्फर नहीं एस ऑर्बिटल है, टोटल 3 पी और 5 डी ऑर्बिटल, उसमें से ये दोनों यानी ये वाला पार्ट 2 पी चले गए हाइब्रिडाइजेशन में, क्या बचा 1 पी और ये 5 डी, तो ये सब क्या बना सकते हैं, प्योर ऑर्बिटल पाई बॉन्ड। इतना ध्यान रखना है, पाई बॉन्ड निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में जो चले गए उसको छोड़ देंगे, जो बचे हुए उसके अकॉर्डिंग इसका पाई बॉन्ड निकालेंगे। तो सल्फर का स्ट्रक्चर हो गया 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर। अब ये पाई बॉन्ड किस ऑर्बिटल के बीच में है, जो P-D वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्मल देखेंगे, ये जो पाई बॉन्ड है सल्फर का एक पी बचा है, तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड सल्फर का पी होगा, और अब पी सारे ख़त्म हो गए क्योंकि 2 हाइब्रिडाइजेशन में गए थे और एक पी बचा था, वो यहाँ पाई बॉन्ड बना लिया, अब बचा है एक और पी, सॉरी डी, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको डी, हाईलाइट कर देते हैं, इस वाले रेड वाले के लिए पी है और ब्लू वाले के लिए डी है। ऑक्सीजन का हमेशा ही पी रहेगा, तो जो पाई बॉन्ड है ये वाला पाई बॉन्ड पी और पी के बीच में है, P-P-, सल्फर का पी है ऑक्सीजन का पी, तो बोलेंगे इसको P-P-। ब्लू वाले पार्ट में सल्फर का है डी ऑक्सीजन का पी, तो ये है D-P-P या P-D-P, एक ही बात है, इसके नाम ऐसे लग रहा है तो उसे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको करना है हाइब्रिडाइजेशन, जो बच जाएंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इसमें सल्फर का पी भी पाई बॉन्ड बना रहा है, सल्फर का डी भी पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इस केस में ऑप्शन सेकेंड भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड पॉज करके ऊपर जाके देख सकते हैं क्या है, चलते ही हैं। P-P-P बॉन्ड प्रेजेंट है, यस P-P-P भी है और P-D-P भी है, दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये भी ठीक हुआ, ये भी ठीक हुआ। SeF4 और CH4 का शेप सेम होगा या नहीं होगा, सबसे पहले पता करेंगे कि सेंट्रल एलिमेंट कौन है, सेंट्रल एलिमेंट सेरिलियम है, तो सेरिलियम ऑक्सीजन फैमिली का है, ऑक्सीजन फैमिली के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 ने बॉन्ड बनाया, एक बचा लोन पेयर, लोन पेयर हमेशा रहता है इक्विटोरियल में इस टाइप से, इसका शेप आया। इसके शेप को थोड़ा सा समझने के लिए टिल्ट करके देख लेते हैं, FF यहाँ पे है लोन पेयर, ये आया हमारा सी शॉ शेप, और CH4 तो मीथेन है, ये sp3 है, टेट्राहेड्रल है, तो सबका शेप सेम नहीं है, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, जिसमें थर्ड है वो कैंसिल, तो डायरेक्टली हमको दिख रहे हैं आंसर ए है, बट लेकिन 4 और 5 भी सॉल्व करते हैं। 4 है ज़िनॉन F2, ज़िनॉन का मतलब है ज़िनॉन के पास होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बन रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर कनेक्टेड, देन सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, तो इसमें 2 सिग्मा हैं, स्टेप बाय स्टेप ही बना लेते हैं। ज़िनॉन लिया, ज़िनॉन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फ्लोरीन दिए, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर 3, समेशन आया 5, 5 मतलब ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल,
लोन पेयर रहते हैं इक्विटोरियल पे, जो तीन पोजीशन है इन्हें कहते हैं इक्विटोरियल, और फ्लोरीन जाएगा एक्सियल पे। शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते, तो शेप हो गया इसका लीनियर शेप। शेप कैसा है? लीनियर। एंड सी ओ टू, सी ओ टू तो बचपन से ही सीख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर, तो इन दोनों का शेप सेम है लीनियर, पर हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन सी ओ टू में sp है, यहाँ पे है sp3d, पर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं कर रहे, क्या बात करें शेप, तो शेप दोनों का सेम होगा। SF4 भी सिमिलर होगा सेरिलियम जैसे, क्योंकि ओ एस एक ही फैमिली में है। इसको कैसे याद करते हैं? ओ स्टाइल से टीपो, तो सेम है। इसका स्ट्रक्चर भी सीसो होगा। ICl3 इसका शेप है टी शेप। ICl3 का ड्रॉ करते हैं। आयोडीन में तीन क्लोरीन लग रहा है, तो सबसे पहले आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे। कितने होते हैं? सात। सात डॉट बनाए, तीन क्लोरीन को दे दिया। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड हुए थ्री, लोन पेयर टू, समेशन इज फाइव। जैसे ही फाइव बोला तो फाइव पोजीशन रेडी करनी है, तो कौन से फाइव पोजीशंस होते हैं? ट्रायंगुलर पाइपिरामिडल। उसके बाद लोन पेयर रहेंगे इक्विटोरियल पोजीशन पे, जो तीन पोजीशन है दैट इज इक्विटोरियल, ये है एक्सियल, तीन यहाँ दे दिया। अब यहाँ पे क्लोरीन, शेप काउंट करते वक्त ध्यान रखना है कि लोन पेयर को नहीं देखना, तो सिर्फ ये कैसा है, इसको थोड़ा टिल्ट कर लो 90 डिग्री, ये है टी शेप। तो ICl3 टी शेप करेक्ट। SF4 सीसो, सीसो मतलब झूला, जो बचपन में झूलते थे, तो करेक्ट आंसर इज वन ए। क्वेश्चन नंबर एट आयनिक कंपाउंड NaCl, ये है सॉलिड स्टेट चैप्टर का, क्लास 12th। क्वेश्चन में दे रखा है A+ B- टाइप का सॉलिड है, वो भी NaCl। तो NaCl का क्रिस्टल बार बार बोला गया है कि उसको याद रखना है कैसे। इसमें जो Cl- है ये बनाएगा CCP लैटिस या FCC बोल सकते हैं। FCC का पोजीशन होता है कॉर्नर्स प्लस फेस, फेस का कहाँ पे भी रैंडम, किसी भी फेस पे नहीं, फेस के सेंटर पे, फेस का जो सेंटर पोजीशन होगा वहाँ पे। और Na+ रहेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी लोकेशन। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन होती है एट सेंटर पे और दूसरा बॉडी सेंटर पे, तो यानी जो Na+ है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहेगा, तो वो रहेगा एट सेंटर एंड बॉडी सेंटर पे। अब क्वेश्चन पे जाते हैं दोबारा से। क्वेश्चन ने बोला है कि एक आयनिक क्रिस्टल है AB टाइप का है, AB टाइप में वो भी NaCl, तो NaCl टाइप का है, इस केस में B- ऑक्यूपाइड है लैटिस पॉइंट पे, तो B- यानी Cl- कन्वर्ट हो गया है, जो Cl- है वो FCC पे है, कॉर्नर और फेस सेंटर पे। जो A+ है वो वॉइड में है, तो कौन सा वॉइड होगा ये हमें याद रखना है, ये होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। इफ़ ऑल द फेस सेंटर आर रिमूव, यानी जितने भी फेस सेंटर पे है वो रिमूव किया है, तो फेस सेंटर पे कौन आ रहा है? Na+ तो नहीं आ रहा है, Na+ क्योंकि वो एज पे है, बॉडी पे है, कौन आ रहा है? सिर्फ Cl-। Cl- को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? B से, और Na को A से। दोबारा पढ़ते हैं, इफ़ ऑल द फेस सेंटर आर रिमूव्ड, जितने भी फेस पे हैं सब हटा दिया, तो नंबर ऑफ A+ आयन लेफ्ट इन द यूनिट सेल, तो जितने भी थे पहले उतने के उतने ही रहेंगे, क्योंकि A तो फेस सेंटर पे है ही नहीं, जो जाने वाला है वो B रिमूव हुआ है, A रिमूव नहीं हुआ, तो क्या होगा? पहले का फॉर्मूला निकालते हैं विदाउट रिमूविंग। जो B- है, कॉर्नर पे 8 कॉर्नर्स होते हैं, कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, फेस होते हैं 6, कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, तो आया 1+3=4, ये आया B का। और स्टार्टिंग में A कितना है? एज होते हैं 12, कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, बॉडी सेंटर 1, बॉडी के अंदर है तो 1 ही कंट्रीब्यूशन है। 3+1 कितना है? 4, तो स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग लिख लेते हैं, इनिशियली A4 है, B4 है, फेस से रिमूव हुआ, तो ये वाला पार्ट पूरा B रिमूव हो गया, B कितना बचा? A, और A कितना बचा? 4 का 4, तो ये हुआ बाद का फॉर्मूला, आफ्टर रिमूविंग एटम्स फ्रॉम द फेस, आयन फ्रॉम द फेस। अब पूछा है कि A आयन लेफ्ट, A कितना रह बचेगा? 4 का 4, तो आंसर हो जाएगा इसका 4। तो NaCl टाइप का था वैसे ही CSCl टाइप का भी याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर
क्या क्या गिवन है पहले उसको लिख देते हैं। आप लोग पॉज करके सॉल्व करें। पहले एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में मोलैलिटी दे रखी है 0.05 m। ये होता है मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखेंगे सॉल्वेंट का, वो भी केजी के अंदर, ग्राम में है तो कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद मोनो बेसिक एसिड है, मोनो का मतलब एक, एक ऐसा एसिड जो एक ही एच प्लस रिलीज करे, तो एक एच का लिख लिया है एच ए। इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का दे रखा है ये -0.06°C। कैलकुलेट के ए, यहाँ पे कैपिटल के ए है, इसका निकालना है एसिड का, ये फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, पहले बना लेंगे क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0°C। एंड के एफ की वैल्यू 1.86, ये कैपिटल के है, केल्विन मोलैलिटी इनवर्स। अब इस केस में अब कैसे प्लान करेंगे, ये दे रखा है के निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फॉर्मेशन है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर प्लस केमिकल आयनिक, ये चैप्टर सॉल्यूशन प्लस इक्विलिब्रियम का है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम, तो डेल्टा मतलब चेंज, इन दोनों में से चेंज निकालेंगे, तो चेंज हमेशा पॉजिटिव में लिखना है 0.06 I। जब भी डिसोसिएशन होता है तो आई का फॉर्मूला यानी वेंटर फैक्टर है, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे 1+(n-1)(α)। एन क्या होता है, यहाँ पे जितने भी समेशन होंगे, यहाँ पे है H1A1, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2, 1 मिला के 2, 1+(2-1)(α)। ये डिसोसिएशन का वेंटर फैक्टर है, याद करें एक बार कॉमेंट बॉक्स में लिखें, याद होगा ये आया 1+(α)। तो आई की वैल्यू पुट कर ली 1+(α)। के एफ गिवन है, मोलैलिटी भी गिवन है, ये गिवन है, यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग अल्फ़ा, इसको सॉल्व करने पे वी विल गेट अल्फ़ा इज 0.29, अल्फ़ा आ गया। पर हमें अल्फ़ा नहीं बताना है, अल्फ़ा को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। निकालना क्या है, के, के को क्या कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो के सी के पी होता है, एसिड है इसलिए यहाँ पे टर्म लगेगा के, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो कैसे निकालेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड गिवन था एच ए, डेक कर लेते हैं H+(n)A-, शुरू में है 1, 0, 0, 1-α, α, α, ये 1 माना है, या अदरवाइज हमें दे रखा है स्टार्टिंग में, तो C मानेंगे, C 1-α, C α, C α। दोबारा देखें C 0, 0, C (1-α, C α, C α) के क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में है एच ए, ए माइनस के लिए फिर एच ए का, एक सी से एक सी कैंसिल, अल्फ़ा स्क्वायर 1-α, ऊपर एक कंसंट्रेशन वाला सी बचा है। तो इस क्वेश्चन में हम ये मानेंगे कि जो सी दे रखा है, मोलैरिटी और मोलैलिटी इक्वल मानेंगे, क्या मानना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम, मोलैलिटी मोलैरिटी इक्वल, डेटा पुट कर देते हैं। सी 0.025, अल्फा भी निकाला 0.29 का स्क्वायर 1-0.29, इसको सॉल्व करने पे वी विल गेट 2.96 × 10⁻³, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है पर सॉल्व करने में ज़्यादा लगा है, पर प्लान करके करेंगे। के एफ दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट में हमें चेंज निकालना होता है डेल्टा, डेल्टा का यूज़ करेंगे, और एसिड का के ए निकालना है। तो यानी फर्स्ट इक्वेशन है हमारी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम, यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे, आई में अल्फ़ा का टर्म आएगा, अल्फ़ा निकालने के बाद के ए का इक्वेशन लिखेंगे, इक्विलिब्रियम चैप्टर का है, तो के ए होता है सी अल्फ़ा स्क्वायर 1-α, पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर का है, क्लास 12।
इसमें ध्यान से देखें, ये है वेपर प्रेशर और यहाँ पे है मोल फ्रैक्शन। एक्स लिख रखा है 100%, इसका मतलब है कि इस वाले पॉइंट पे प्योर का प्योर ए है। ए नहीं लिख के जो एक्स है तो हम एक्स वाई के टर्म्स में लिख लेते हैं। यहाँ पे प्योर वाई है क्योंकि वाई 100% है, एक्स नहीं है। इसके बीच में थोड़ा एक्स होगा, थोड़ा वाई होगा। इस लाइन को ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं। ये कनेक्ट करने वाले लाइन को बोलेंगे पी टोटल, जो आएगा रॉड्स लॉ से। रॉड्स लॉ क्या बताता है? आइडियल सॉल्यूशन। रॉड्स लॉ के ऊपर है तो इसका मतलब है कि ये कैसा है? नॉन आइडियल। इक्वल स्ट्रेट लाइन है तो आइडियल, ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर प्रेशर जितना हम एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव डेविएशन। कैसा है ये? पॉजिटिव डेविएशन। पी सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन पी टोटल। फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द लिक्विड कुड बी इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से पॉजिटिव डेविएशन बनाते हैं, कौन कौन से नेगेटिव डेविएशन। इथेनॉल, इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन। इथेनॉल है पोलर, साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर मिलेंगे तो इनकी बॉन्डिंग क्या होगी? वीक। ऐसे लिखते हैं पॉइंट करके, एक है पोलर और दूसरा है नॉन पोलर। इन दोनों की बॉन्डिंग वीक है। अगर बॉन्डिंग वीक होगी तो क्या बोलेंगे? वो ईजिली उड़ जाएंगे। ईजिली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ईजिली वेपोराइज्ड। ईजिली वेपोराइज होंगे तो इनका पी क्या होगा? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मोर। और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा ही दे रखा है तो यानी इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा। फिनॉल और एनिलीन, फिनॉल और एनिलीन शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, फिनॉल और एनिलीन है, ऑर्गेनिक में इन दोनों की रिएक्शन बहुत ही सिमिलर है तो यानी इन दोनों की सिमिलर है तो इनकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होगी। ये याद करने के लिए है, ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है। इन दोनों के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इस वजह से इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग है। स्ट्रांग है, अच्छी बॉन्डिंग है तो ईजिली वेपर नहीं बनेगा। तो ये शो करेंगे नेगेटिव डेविएशन, ऊपर वाला पॉजिटिव। तो दोबारा बोलें, फिनॉल और एनिलीन दोनों ऑर्गेनिक वाले भाई भाई हैं तो इनकी बॉन्डिंग अच्छी, तो वेपर में नहीं जाएंगे, इसकी वजह से नेगेटिव डेविएशन। वाई हैज़ द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एक्स। इसमें अगर कंपेयर करें एक्स और वाई में, एक्स और वाई में वाई का प्रेशर ज़्यादा है तो यानी वाई ईजिली वेपर बनना चाह रहा है। वाई ईजिली वेपर बनना चाहेगा तो हमें उसको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो वाई हैज़ ए हायर बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, हाई का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वाई का। तो आंसर है 1 और 4। थर्ड पॉइंट को दोबारा लिख रहे हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंग। ग्राफ में हिंट दिया है वेपर प्रेशर ऑफ वाई ज़्यादा है एक्स के कंपैरिजन में किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो वेपर बनना चाह रहा है तो वो ईजिली चला जाएगा तो हमें टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस। बीपी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। जो ईजिली जाना चाह रहे हैं तो यानी हमें फोर्स कम करना पड़ेगा, वो तो अपने आप जा रहे हैं। जो बच्चा ईजिली पढ़ना चाहता है तो उसको पुश नहीं करना पड़ता कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो ईजिली खुद पढ़ लेते हैं। तो उसी टाइप से है। 11 से 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, इसमें देखना है कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, एनालाइज करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।